नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेताओं में शुमार रहे रामविलास पासवान के पुत्र और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने काम और अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लखनऊ के उदा देवी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उनके उत्तर प्रदेश संगठन के कार्यकर्ता नारे लगाते नजर आए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज मलिहाबाद लखनऊ में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में अपने संगठन विस्तार की कवायद में जुटे हुए हैं और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सी न्यूज भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि संगठन विस्तार की कवायद जारी है और हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। क्या बोलना चाहेंगे, महत्वपूर्ण समय है। देखिए, जिस उद्देश्य से आए हैं वीरांगना उदा देवी जी का आज बलिदान दिवस है, बस उनको श्रद्धांजलि देने, उनकी कुर्बानियों को याद करने के उद्देश्य के साथ हम लोग आए हैं और आज उसी सिलसिले में आगे भी एक कार्यक्रम है, अब उसमें जा रहे हैं। आने वाले समय में अपने संगठन को बढ़ाने के लिए क्या मेहनत करने वाले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक मजबूत जनाधार है, उसका और विस्तार करने की सोच के साथ अब आगे बढ़ने का काम। क्या मानते हैं अपने राजनीति बारे में और अगले कदम क्या उठाने वाले हैं? फिलहाल पार्टी के विस्तार पे काम किया था। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।